गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज आप बहुत सक शब्द करने हैं, ठीक है. 1 to 75 आप ऑलरेडी कितने हुए ने, तो 75 to 90 तक करांगे, ज्यादा नहीं करांगे, ठीक है. हॉली 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 क्लियर है विद सेंटेंस, बिकॉज थानू सेंटेंस विच आना काफी जेड़े थानू प्रॉब्लम्स ने बहुत अर्थक दे विच ही ने. बहुत अर्थक दा एक जेड़ा सी सेट सेट ए दे विच काफी बच्चा दा गलत होया, कार्ट दा शब्द, ठीक है. नुकसान सी उदा नहीं है क्योंकि उत्थे लिखा होंदा नहीं. मैं थानू पहले भी कहा सीगा नहीं वाले आंदे तो उन्होंने ध्यान ना देख लिया करो, ठीक है. नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर पता लगेगा ना. तो नेक्स्ट है तोर. तोर तोर तोरना, ओके. तोर दा एक ता चाल हो गया, ठीक है, कि ओदी तोर बहुत वधिया है या ओदी तोर बहुत ज्यादा हौली है या तेज है. एक तोर हुंदा तोरना, विदा करना, ठीक है, कि असी प्रौणियां नूं तोर दिता या माता पिता ने अपनी कुड़ी नूं व्याह के तोर दिता, विदा कर दिता, ठीक है. तो दो, एक चाल ते दूसरा विदा करना. अगर तुहाडे कोल जिहड़ी बुक होएगी ओहदे विच कुछ एक्स्ट्रा होएगा तो मैनूं दस दिओ, ठीक है. नेक्स्ट तर. तर हां जी, ठीक है, ओही चाली हो गया ना. चाली तार दा एक ता सैलड हुंदा है. तार होर तार नहीं तार गया ओ अलग चीज है. हां जी वो भी आ सकता है. तरक्की नहीं होनी आपा उन कैसे तो कुछ और बोल देवांगे. वैसे सेंटेंस थोड़ा ठीक है, तैरना ओके गुड. ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ. ਤਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਈ. ਤਰਨਾ ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੋਰ ਤਰ ਦਾ ਤਰਨਾ ਉਹੀ ਤੈਰਨਾ ਤਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ, मतलब पास होना, ठीक है, या सफल होना. एक तर दा ताजा करना, थोड़ा दिमाग तर रहे, आपा बोल देने ना दिमाग ताजा करना, फ्रेश करना. एक फल, सलाद दी जगह ते तुसी फल लिख लियो, ठीक है. एक तर नहीं 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 ओनू ही कर लियो, सब्जी या एक फल. अगर उत्थे डिपेंड करदा एमसीक्यूज दे विच सब्जी आ गया फिर तुसी सब्जी नूं कर लियो, अगर फल आ गया तो फल नूं कर लियो, ठीक है, पर अलग अलग नहीं लिखना. और एक हुंदा है जिस तरह आपां घर बनाने हैं, ठीक है, इट्टां नाल बनाया जांदा है, ठीक है, ते ओनू आपां सीमेंट नू आपां पानी दिंदे आ ना, ताही तो अग्गो अग्गो पक्कियां हुंदियां, ओनू आपां कहिंदे आ इट्टां नू तर कर लो, मतलब पिल्लियां कर लो, ठीक है. सो तर दा मतलब तरना, मीनिंग लिख लो तरना, पास या सफल होना. सेकेंड तरना पास या सफल होना. थर्ड ताजा करना. फोर्थ तर एक फल, एक फल. फिफ्थ गिल्ला गिल्ला गिल्ला, इट्टां नूं तर कर दो, मतलब इट्टां नूं गिल्लियां कर दो, ओके. नेक्स्ट तप, ठीक है, गरम तपस्या करनी, मेडिटेशन करनी. होर तप पट्ठी तप रही है, ओही गरम ही हो गया. गुस्सा आना, आप कहने नहीं कई बार बहुत ज्यादा तपया जहा रहा, मतलब ओनू तप ही चढ़िया रहा, गुस्सा चढ़िया रहा, ठीक है. तो तप का हो गया गुस्सा, गरम ते या तपस्या लिख लो या बंदगी लिख लो,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ गुस्सा गरम बंदगी या तपस्या डन नेक्स्ट तंग परेशान करना पैसे की तंगी पीड़ा हाँ जी टाइम टाइट ओके ओही पीड़ा एक तंग का लिख लो परेशान के माता पिता ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਪੀੜਾ ਪੀੜਾ ਟਾਈਟ ਜਾਂ ਪੀੜੀ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਤਾਰ वायर वायर नहीं जी ठीक है तार वायर नु बोल दिया बट ओदा पंजाबी च मतलब हां बिजली दा बिल तर गया तार ना भुगतान कर देना पेमेंट कर देनी बिजली दी तार खबर एक तार हुंदा या कि जे आपां परमात्मा दा नाम लवांगे ते परमात्मा सानू तार देवेगा ठीक है उहदा मतलब है बिरती एक तार दा तारना जिस तरह बिजली दा बिल पानी दा बिल तुसी पे कर दिता तार दा तारना दूसरा बिरती कई बारी तार कई बारी तुसी एन मेडिटेशन च बैठे हुंदे हो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਖਬਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ बिजली राही भेजी खबर फिर धात दी तार धात एक मेटल है ओदी तार जिस तरह बिजली दे ना तांबे दी तार हुंदी आ लोहे दी तार हुंदी आ कपड़े सुकड़े पाण वाली तार हुंदी आ उह सारियां ठीक है पर उत्थे अलग अलग नहीं लिख देना कि आ बिजली दी आ कपड़े दी आ इदां इदां नहीं लिखना हां जी बस फिर 21वें क्वेश्चन विच 21वां क्वेश्चन सी ना वो मेनू क्वेश्चन भी याद आ बस ओथे विदा तुसी एदे कीता सी गोले ही मारे सीगे ओ फिर गलत हो गए केड़ा ओके महाराष्ट्र उस दिन मैं डिस्कस कीते सीगे जिन्हां ने क्लास लगाई होएगी दारू एक हो गया नशा ठीक है शराब जिन्हें बोल देते हैं एक दवा दारू कर लो मतलब इलाज ओही हो गया नशे विच आ गया ठीक है एक बारूद गोला बारूद ठीक है दारू क्यों आपा कह नहीं देंदे कि ओदे कोल बहुत सारा दारू इकट्ठा किया गया गोला बारूद इकट्ठा किया गया कई बोलते हैं एक दारू हुंदा है सुनिया होएगा तुसी तुहाडे घर च भी मैं भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे आई ड्रॉप्स नहीं होंगे उन्होंने भी बोलते ना अखा विच दारू पा लो नेक्स्ट
तक्का 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 मारना, उन्हें मेनू कोठे तो तक्का मार दिता, डिगा दिता, ठीक है। होर तक्का करना, ओ की होंगे एक तक्का करना होंगे, जिसका कि अपना राज चलाना, मतलब कि सरकार गरीबा के नाल बहुत ज्यादा तक्का कर रही है, मतलब उन्होंने जुल्म कर रही है, ठीक है। अन्याय, एक्सैक्ट एदा है अन्याय, ठीक है। हाँ जी, माड़ा करना बेटा वही अन्याय दे विच ही आ गया, राइट। एक तक्का जिस तरह कई बार मान लो हुण जिस तरह पेपर दे विच है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होएगा कि उहदे घट नंबर आ गए, बाद च उहनूं बहुत ज्यादा तक्का लगा जदों उहने नंबर घट देख ले, सदमा, ठीक है। सो एक तक्का डेगना, एक तक्का अन्याय अन्या करना, एक तक्का सदमा, अन्या, ठीक है। सदमा के पेपर विचो फेल होने करके मेनू बहुत ज्यादा धक्का लगा, राइट। नेक्स्ट दौरा, दौरा दौरा करना, दोबारा द्वारा नहीं दौरा, दौरा, दोबारा हाँ ठीक है। वो दोहरा होंगे बेटा, वो हाहे दे नाल जरा तुसी बोल रहे हो ना, एकदम वाला है, देखो नहीं, ये नहीं है, आ है जिस तरह हम जया ने किया काट ते काट दे विच, मैं तुम्हें पहला ही कहा सीगा कि काफी चेंजेस आन गए, उन थोड़ा सोच समझ के करियो। दौरा, दौरा मतलब है कि यात्रा करनी है ना, जिस तरह प्रधानमंत्री बहुत सारा दौरा करते रहते हैं। दौरा नहीं, दो दौरान होता, एक दौरा दिल का दौरा, ठीक है। एक दौरा परवाह, ओके, एक दौरा यात्रा करनी, एक दौरा बीमारी, दिल का दौरा ला लो, मिर्गी का दौरा ला लो, ठीक है। एक दौरा परवाह, परवाह ए वाला मतलब सर्कुलेशन, परवाह र वाला नहीं लिखो, ओदा मतलब तो होंगे किसी की केयर करनी है ना, कंसर्न करना, राइट। ए वाला कि जिस तरह खून का जो सर्कुलेशन है वो वधिया तरीके ना चल रहा है थोड़ी बॉडी के विच, थोड़े खून का दौरा सही है, ठीक है। वो दली एक दौरा होंगे बर्तन, वो थोड़ा बड़ा जो होंगे है, ठीक है। दौरा बर्तन, चार नहीं दे लिख लोगे, रिपीट कर देनी है जी। यात्रा, एक प्रवाह मतलब सर्कुलेशन, एक बीमारी, ते चौथा बर्तन, बड़ा सारा बर्तन होता है वो। डन। नेक्स्ट तार, उन तार नहीं है, उन तार है तद्दे नाल, दुध की तार, पानी की तार, कोई भी हो गया तार। और निचोड़ नहीं आएगा, चाकू की तार। और मैं अपने मन विच कोई चीज तार ली है, पक्का कर लिया, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने जग नू सही रस्ते पे चलाने लिए अवतार धारिया, पैदा होना, ठीक है। तो तार दा एक लिख लो, दुध की तार या पानी की तार, कोई भी आ सकता है, जे सेंटेंस विचों दी आ गया फिर ओदे अकॉर्डिंगली देख लियो, ठीक है। बाकी तो तुसी एक दूध लिख लो के ओ गऊ दी धार कट रहा है या पानी दी धार चल रही है, कुछ भी लिख सकते हो। अगे पक्का इरादा करना, मैं अपने मन विच कोई चीज धार ली है। सेकंड पक्का इरादा करना, थर्ड ये अलग
ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਧਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰੀ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਤੇਜ ਪਾਸਾ ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਨੱਥ ਨਾਥੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੱਥ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣਾ ਨੱਥ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਨੱਥ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਨੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨੱਕ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨੱਥ ਦਾ ਰੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਵੇ ਹਨਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਰੱਸੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਤਿੰਨ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਪੈਰ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਵਿਦ ਹਨਾ ਮੇਲ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੜ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਕਿ ਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਓਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਾਈਟ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਈਪ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂਗੀ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਲੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਾਲੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸਾਥ ਠੀਕ ਹੈ 87 ਪੱਕਾ ਤਖਤ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਓਕੇ ਹਾਂ
ओके हो गया पक्का होना मतलब ओदी कंफर्मेशन हो जानी जिस तरह आप कहने मुंडा पक्का हो गया है ना या इतने किसी की नौकरी है उन्होंने कंफर्मेशन मिल गई सरकारी नौकरी पक्की हो गई राइट ओदा लिख लो तुसी पक्का दा पक्का होना पक्का होना एक पक्का रंग जेड़ा कभी उतरदा नहीं हैगा ना उतरन वाला रंग ना उतरन वाला रंग एक पूरा कि ओदा पक्का पता सही एड्रेस ठीक है पूरा कि तुसी अपना पक्का एड्रेस दसो मतलब अपना पूरा और करेक्ट एक है लिखा दुख सुख दा सहायक ओ मेरा पक्का मित्र है मेरा सच्चा दोस्त है पक्का दा सच्चा भी लिख लो ब्रैकेट विच लिख लो दुख सुख दा सहायक ठीक है पहला पक्का होना सरकारी नौकरी पक्की हो गई विदेश विच पक्का हो गया ठीक है दूसरा ना उतरन वाला रंग सूट दा रंग बहुत पक्का है थर्ड पूरा मतलब मेनू अपना पक्का एड्रेस दियो फोर्थ दुख सुख दा सहायक या सच्चा साथी ठीक है नेक्स्ट पूरा पक्का हुणी करके हटे आपां पूरा पक्का और मुकम्मल भी कह सकते हो आपां है ना काम पूरा हो गया काम मुकम्मल हो गया मुकम्मल वो पूरा होंदा हाँ एक्सीडेंट दे नाल या बीमारी दे नाल वो पूरा हो गया मौत ठीक है मौत या मरना लिखो एक बोतल पानी नाल पूरी भरी हुई है या गिलास पानी नाल पूरा भरिया होया है तो भरिया होया भरिया होया मौत भरिया होया मुकम्मल एक पक्का लिख लो ठीक है चार हो गए देवी नेक्स्ट पट वो फुट हुंदा वैसे हुण आपां पट नहीं बोलदे आपां बोल दिंदे आ कि सब्जी या घा पट लो आपां उहनूं वैसे फुट बोलदे आ नीचे औंकड़ आंदा है आपां बोल चाल दी जदों आपां बोलदे आ वोबली वैसे तां आपां बोलदे आ कि घा पट दो पर एग्जैक्ट हुंदा फुटना ਔਂਕੜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਥਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ के शरीका ने अमन नु ऐसा पट्टिया कि वो मां दी गल ही नहीं सुनदा तुसी घा पुटना बोल रहे हो ए पट है बिगाड़ना है ना अपा कई बारी लिख देने आ कि हाँ पाड़ हो गया या कि डिवाइड कर देना पट देना पट मीन्स बिगाड़ना जिस तरह कई बारी कहने आ मुंडा पट हो गया मतलब मुंडा बिगड़ गया ठीक है एक हो गया शरीर का अंग एक है रेशमी धागा पट दे धागे की कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है रेशमी धागा तीन ने दे ठीक है चौथा नहीं है शरीर का अंग बिगाड़ना या रेशमी धागा लास्ट फुट फुट पानी मुहावरा भी है हाँ, लड़ाई फोर फुट जड़े आपां मेजर कर दे एक फुट दो फुट हाँ जी
तब तो ओ ही हो गया ना फुट, ओ ते मंजर ओ होर हुंदा है, फुट नहीं हुंदे, एक फुट दो फुट एने एने फुट उच्चा लंबा मुंडा या एने फुट उच्ची लंबी इमारत, ठीक है, एक फुट लड़ाई पौना, एक फुट कोई हो गया मेजर करना नापन वाला, वो तो फुट्टा बोल दे अपन से स्केल नु, एक फुट की हुंदा का फुट पिया, हाँ दूध फुट गया, नहीं ओके एक फुट हो गया जी उगना के का फुट पिया है जमीन विचों दी निकल आना, ठीक है, सूरज फुट गया, वह भी तो आप कह दें सूरज चढ़ गया, सूरज की टिक्की चढ़ गई, सूरज फुट पिया, ठीक है, एक फुट है लड़ाई, सानू कदी किसी च फुट नहीं पवानी चाहिए, एक खराब होना, दुध फट जाता कई बार, इथे तीन ही ने, वैसे तुसी वो भी लिख सकते हो, नाप भी लिख लो, नाप 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 उगना लड़ाई उगना उगना खराब होना, नब्बे हो गए, इन्ने ही करांगे, ठीक है, कल अंडिठी का टुकड़ी कर लवांगे, क्योंकि बहुअर्थक शब्द मैं थानू नाल नाल ही करवानी है, चिड़िया घर आया सी, चिड़ी भी नाव हुंदा है ते घर भी नाव हुंदा है, वो मैं थानू उदो ही दस के गई सी, नाम नाम वाला ही आया, क्रिया विशेषण वाला तो कोई भी नहीं आया, हाँ वो तो ईजी है, कोई नहीं, फिर समासी भी दोबारा हो जाएंगे, ठीक है, ओरली अच्छा, एक एक थानू डाउट लग रहा है कि ओट आसरा उधरों दी काम क्रिया, बट काम क्रिया समासी शब्द नहीं आता, ठीक है ना, चाहे ओ मतलब आप सेम ले लें, समासी शब्द भी तो देखो ना, राइट बेटा, आप अंडिठी काव टुकड़ी कल करांगे।